Show the following. Show the following numbers. Show the following numbers on number line. में क्या पूछा गया है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस. इसमें का ये पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, 3/2 कॉमा 5/2 कॉमा -3/2. इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद में इस पे नंबर्स दीजिए, 0, 1, 2, 3. ये साइड में -1, -2 एंड -3. इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए डिनोमिनेटर में हमें जो भी नंबर दिया गया है, डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया गया है, 2. हर जगह डिनोमिनेटर में हमें 2 दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, ये 1 सेमी का ये जो डिस्टेंस है इसके हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं. ठीक है, इसके हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं. देखिए किस तरह से इसके 2 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके 2 पार्ट्स हो गए. देखिए ठीक है, इसी प्रकार इसी तरह से इसके भी 2 पार्ट कीजिए, इसी तरह से इसके भी 2 पार्ट कीजिए. ये साइड में भी क्या कीजिए, इस तरफ भी इस साइड के 2 पार्ट कीजिए, इस साइड के भी 2 पार्ट कीजिए, इस साइड के भी 2 पार्ट कीजिए. उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, ये जो नंबर है उसके नीचे हमें लिखना है 0/2, दूसरा कलर लेंगे. ठीक है, इसके नीचे हमें लिखना है 1/2, इसके नीचे हमें लिखना है 2/2. इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है, 3/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, 4/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, 5/2. ये सेट में भी हम लिखेंगे, इसके लिए हमें लिखना है -1/2. ये 0/2 है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, -1/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, -2/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, -3/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, -4/2, इसके लिए हमें क्या लिखना है, -5/2. ठीक है, तो देखिए हमें क्या ढूंढना है, 3/2, वेयर इज द 3/2, 3/2 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे है 3/2 का पॉइंट, ये रहा. इसे हमें इस तरह से गोल कर लेना है. बाद में कौन सा पॉइंट हमें निकालना है, 5/2 कहाँ है, देखिए 5/2, देखो ये देखिए यहाँ है, ये पॉइंट है 5/2 का, इसे हमें इस तरह से गोल कर लेना है. ठीक है, और कौन सा पॉइंट निकालना है हमें, -3/2 की तरह, देखिए ये 1/2, 2/2, -3/2, ये रहा, इसे हमें इस तरह से गोल कर लेना है. ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7/5, -2/5, 4/5. इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, नंबर लाइन पे हमें नंबर्स बनाने हैं, 0, 1, 2 एंड 3. इस साइड में हमें क्या बनाना है, -1, -2 एंड -3. इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें देखना है क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखिए हर एक डिनोमिनेटर में हमें 5 दिया गया है. क्या दिया गया है, 5. तो हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस का हमें 5 पार्ट्स में डिवीजन करना है. इस ये जो डिस्टेंस है 0 to 1, इसके हमें 5 पार्ट्स बनाने हैं. देखिए किस तरह से 5 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. देखिए अब बन गए हैं 2 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1, 2, 3 पार्ट बन गए. देखिए 1, 2, 3, 4 पार्ट बन गए. अब ये 5 पार्ट बनेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. मतलब हमें डिस्टेंस में 4 लाइन बनाने हैं. ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन. इस डिस्टेंस में भी हमें कितने पार्ट बनाने हैं, 5 पार्ट बनाने हैं. तो हमें 4 लाइन मारनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4. इसी तरह से इधर भी हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी होगी, 1, 2, 3 या 4. इसी तरह से इधर भी करना होगा, 1, 2, 3, 4. अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है नंबर. किस तरह से नंबर देना है हमें, इसे क्या लिखना है, 0. ये 0 है, तो इसके नीचे हमें लिखना है 0/5. ये है 0/5. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, 7/5 ढूंढना है. किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, देखिए 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5. ये रहा हमारा पॉइंट, 7/5. ठीक है, बाद में हमें कौन सा पॉइंट ढूंढना है, बाद में हमें क्या ढूंढना है, देखिए -2/5, -2/5 ये साइड में आएगा.
इस तरह से ढूंढना ढूंढेंगे हम इसे, ये है 0/5, ये है 1/5, ये है -2/5, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट -2/5। अगला कौन सा पॉइंट हमें ढूंढना है, अगला पॉइंट ढूंढना है हमें -4/5, ठीक है। इसी तरह से ढूंढेंगे हम, माइनस है इसलिए लेफ्ट साइड में आएगा, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये रहा हमारा -4/5 का पॉइंट, -4/5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, -4/5। इस तरह से हम नंबर पे, रैशनल नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को बता सकते हैं, ठीक है।